जिले में खाद विभाग को लेकर के लगातार जो है कहीं ना कहीं सवाल उठते रहते हैं कि खाद विभाग की जो कार्य प्रणाली है किस टाइप की, क्योंकि आए दिनों जो है जनता के द्वारा ही ऐसे वाहनों को पकड़ाया जाता है जिसमें पीडीएस की चावलें भरी हुई होती है, और ऐसा एक मामला आज सामने आया है। और इस वक्त हम लोग परपा में मौजूद हैं और इस राशन दुकान में जो है पीडीएस की चावल खाली करवाई जा रही है, और इस चावल को रास्ते में पकड़ा गया था, और ये पकड़ा गया था किसी अधिकारी के द्वारा नहीं, जनता के द्वारा पकड़ा गया था। उसके बाद इसकी सूचना जो है खाद्य विभाग को दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं ये पीडीएस की चावलें हैं, और इसमें ऐसे बोरियों में पैक किया गया है कि जिसे भापना तक का जो है मुश्किल है। कहीं ना कहीं ये जो रैकेट है काफी ज्यादा बड़ा है, और बताया जा रहा है कि एक ऐसे ही गाड़ी जो है खाली हुई है जगदलपुर में किसी गोडाउन में जाकर के, जिसकी जो है जानकारी इस संबंधित ड्राइवर के द्वारा विभाग के लोगों को दी गई, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तब तक वो गोडाउन खाली हो चुका होगा और उसका जो चावल है वो गायब हो चुका होगा। अभी देख सकते हैं ये किस प्रकार से ऐसी पैकेजिंग यहाँ पर की गई है कि इसको करके ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसको क्या है, जब तक आपकी सूचना तंत्र जो है मजबूत नहीं होती तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। कई अलग अलग प्रकार के इसमें नाम लिखे हुए हैं, चांद तारा पता नहीं कौन कौन सी जो है प्रकार की बोरियां है, उसके अंदर पीडीएस की चावलें भरी हुई है। बताया जा रहा है कि ये गीदम से सीधा जो है यहाँ पर जगदलपुर में लाया जा रहा था खपाने के लिए, और किसी एक व्यक्ति का नाम भी सामने आ रहा है। चलिए खाद्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत करेंगे इस प्रकार की, मतलब इतना बड़े पैमाने में चावल की खरीद बिक्री यहाँ पर हो रही है और विभाग को इसकी जानकारी आखिरकार कैसे नहीं, इतना बड़ा विभाग अगर मेंटेन कर रहे हैं तो सूचना तंत्र आखिर मजबूत कैसे नहीं है। फूड इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है ये जो चावल है इसको रखवाया जा रहा है, और कितनी बोरियां इसमें है थोड़ी जानकारी। नमस्कार सर। सर ये कितने पैकेट जो बोरी है जब्ती की गई है? 100 बोरी। 100 बोरी यहाँ पर पीडीएस के चावल जब्ती की गई है। सर एक पुष्टि कर देंगे कि चावल आ कहाँ से रहा था? जो उसने ड्राइवर ने बताया कि गीदम से लेके आ रहा था। अच्छा सर, ये इस प्रकार की कार्रवाई जब जनता बताती है या किसी के द्वारा सूचना मिलती है तब आप लोग वहाँ पहुंचते हैं, आप लोगों का सूचना तंत्र मतलब कैसे काम करता है सर, कि मतलब पहले से पता नहीं चलता है? केस बन चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में, जैसे ये सूचना मिलती कार्रवाई की जा रही है। सर ये इससे पहले भी लगभग 200 बोरी से भरी हुई ट्रक पकड़ाई गई थी, उस पर अभी तक FIR नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है सर, उसका कारण क्या है? प्रकरण चल रहा है वो। ये इसमें कुछ खुलासे हुए किसका है क्या है? नहीं अभी तो बयान हुआ है उसका, अभी कलेक्टर नाले में प्रकरण जाएगा अभी। सर ये पूरा प्रकरण बनने में कितना टाइम लगता है कार्रवाई होने में? न्यायालय में सुनवाई होगी, इसमें दोनों पक्षों को सुना जाएगा वहां से, कलेक्टर न्यायालय में इसको, कलेक्टर साहब की। और सर ये बता रहे हैं कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसी बड़े अधिकारी का इसमें जो है मेलजोल बताया जा रहा है, ड्राइवर ने क्या कुछ खुलासे किए हैं सर इसमें? किसी एक अधिकारी का नंबर भी उसमें पाया जाना बताया जा रहा है उसके पास, ये विवेचना में ऐसा आ रहा है। अभी प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में जा रहा है, अभी जब्ती कर रहे हैं, फिर थाने में हम इसकी गाड़ी को देंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। सर इसमें FIR होगी क्या? न्यायालय में सुनवाई होने के बाद जो निर्णय होगा, FIR करना है नहीं करना है, आगे उसमें सुनवाई के बाद कार्रवाई होगी। और सर इसमें और किस प्रकार की जानकारी निकल के सामने आ रही है कि गीदम में इसका कोई सरगना बैठा हुआ है, और बताया जा रहा है कि किसी बिचौलिए से भी यहाँ पर आपकी किसी अधिकारी से बात हुई जो बोल रहा था कि मैं सिर्फ बीच का बिचौलिया हूँ बोल करके? नहीं ऐसा तो अभी पता नहीं है कुछ, आगे इसमें जांच के बाद कार्रवाई होगी। सर बताया जा रहा है कि एक और गाड़ी जो है वो किसी गोडाउन में खाली हुई है, ऐसा जानकारी ड्राइवर के साथ बताया जा रहा है। अपने बयान में ऐसा नहीं बताया कुछ, ड्राइवर ने बताया कि आज वो पहली बार लेके आया था, इसके पहले महुआ अगर लेके आता था, उसने जो बयान में बताया उसके हिसाब से ये गाड़ी वो गीदम से लेके आ रहा था और यहाँ पर कहीं पर संजय मार्केट में कहीं पर ये उसको ले जाना था उसको। तो सर वहाँ पर टीम भेजेगी कि आपकी, जहाँ उसने जानकारी दी संजय मार्केट की, कार्रवाई को कम्प्लीट कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर जब तक इनकी कार्रवाई होगी तब तक जो है सामने वाला अपना पूरा समेट चुका होगा बोरिया बिस्तरा, उसके बाद विभाग वहां पर पहुंचेगी और अपनी जो है खानापूर्ति करेगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर विभाग बस्तर के जिले में काम करती है। बताओ यहाँ पर बस्तर के ऐसे आदिवासी लोग हैं जिनको भोले भाले लोगों को ठग करके मात्र 12-14-15 रुपए में पीडीएस की चावलें खरीदी जाती है, उड़ीसा जैसे क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों में ले जाकर के 25-30 रुपए में खपाया जाता है। अब बताओ कैसे होगा बस्तर का विकास, और होगा बस्तर का विकास? और यहाँ पर जिन्होंने पकड़वाया है कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस जे के बड़े अधिकारी, सॉरी पदाधिकारी कहेंगे, जो यहाँ पर नवनीत जी मौजूद है, नवनीत जी प्रकाश डालिए कि किस प्रकार से आपको सूचना मिली कि पीडीएस की चावल ऐसी जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है। देखिए हमने पहले ही इस बात को स्पष्ट तौर पे कह दिया था, और अपनी बात ना केवल मीडिया के माध्यम से कही बल्कि शिकायत पत्र के नाम पर बस्तर के संभाग आयुक्त और कलेक्टर को इस बात को संज्ञान में लाया कि बस्तर जिला जो है वो पीडीएस चावल के माफिया लोगों के द्वारा एक गढ़ बना दिया गया है, और इसमें कहीं ना कहीं खाद्य विभाग की संलिप्तता है।
कुछ वॉइस सैंपल भी हमने कमिश्नर और कलेक्टर को दिए हैं, जिस मामले पर हमने ये कहा है कि इस पूरे मामले की महत्वपूर्ण जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नवनीत जी, लगातार ऐसे जो है मामले सामने आते हैं कि सैकड़ों बोरी जो चावल पकड़े जाते हैं, बावजूद इसके अभी तक किसी भी बड़े ऐसे रैकेट चलाने वाले पीडीएस के चावल का जो खरीद फरोख करते हैं उनकी पकड़ अभी तक नहीं हो पाई है। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, प्रशासन की चूक है या फिर कोई और मामला है? हम तो साफ कह रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना की बड़ी बड़ी बात कांग्रेस की सरकार कह रही है, जब तक सत्ता पक्ष का संरक्षण नहीं होगा तब तक इस तरह की चीजें लगातार चल रही हैं। हम तो आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष के संरक्षण में, कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं के संरक्षण में ये काम चल रहा है और इसमें बीजेपी के भी कार्यकर्ता संलिप्त हैं। जिस व्यक्ति की गाड़ी है, ड्राइवर ने जिसका नाम बताया है, उसका बीजेपी से नाता है दंतेवाड़ा के अंदर में, गीदम के अंदर में। तो इस प्रकार की नई बात सामने आ रही है कि कुछ जो ऐसे पावरफुल लोग हैं, कहने की किसी बड़े पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का जो है रैकेट चलाया जाता है। पीडीएस की चावल का इस प्रकार खरीदी बिक्री करना बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि बस्तर जैसे क्षेत्र में जहां पर मुख्य भोजन के रूप में इसे देखा जाता है, जो कम दाम में उपलब्ध होता है, लेकिन उसी चीज को गरीबों का हक मारते हुए इन चीजों को ले जा करके दूसरे राज्य में खपाया जाता है, दूसरे राज्य का फिर महंगी चावल ला के यहाँ खपाई जाती है। अब बताइए ऐसे में नवनीत जी, अगर इस पे कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो एज एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आपका रुख क्या होगा? क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इस टाइप का मामला आया था, लगभग 200 बोरी भर के पीडीएस की चावल जब पकड़ी गई थी तो बोधगा थाने में जाकर इसे एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद बताया दूसरे थाने का मामला है तो उस पर भी शायद अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, कि इसका मामला थोड़ा क्लियर कर देंगे। देखिए, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रशासनिक कसावट की कमी और क्षेत्रीय विधायकों की उदासीनता प्रमुख कारण है कि खाद्य विभाग लापरवाह हो चुका है, और यही कारण है कि पिछले दिनों आस्था में जो चावल पकड़ा गया उसका अब तक एफआईआर पंजीबत नहीं हुआ है। और ये हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर वो कौन अधिकारी है, वो कौन मैडम है जिसका बार बार इन माफियाओं के द्वारा जिक्र किया जाता है, आपसी बातचीत में जिक्र किया जाता है। आज जो ड्राइवर का पंचनामा है जिसमें उसने बयान दिया है, उस बयान में भी उसने इस बात का उल्लेख किया है कि किसी का नंबर दिया गया, वो नंबर किसका है। और दूसरी बात जो हम ये कहना चाहते हैं कि खाद्य निरीक्षकों का पद जो ऑलरेडी वैकेंट था, जिस पर शासन ने अभी कुछ लोगों की पोस्टिंग की है, तो असिस्टेंट खाद्य निरीक्षक को खाद्य निरीक्षक के पद पर क्यों रखा गया है, जब ऑलरेडी एक मामला जांच पर है, कमिश्नर के कहने पर, कमिश्नर के लेटर के आधार पर कलेक्टर उस विषय पर जांच कर रहे हैं। तो ये कहां की लापरवाही आपको लगती है? क्या ये जिला मुख्यालय से इसकी लापरवाही है या फिर कहीं ये तार जुड़ते हैं बड़े राजनीतिक पार्टियों से? आखिर क्यों ये ठंडे बस्ते में है? देखिए, हम तो साफ कह रहे हैं, हम तो क्लियर कह रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में, क्षेत्रीय नेताओं के संरक्षण में ये काम चल रहा है। यही तो कारण है कि खुलेआम ये चावल की बिक्री हो रही है। आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो है पैकेट्स में जो है ये पीडीएस का चावल खरीदा और बेचा जा रहा है, और साफ तौर पर, खुले तौर पर, वो भी हाईवे के अंदर से ये आना जाना चल रहा है। तो ये जो रैकेट है ये नया रैकेट नहीं है, और जिस प्रकार से जो चावल की इसे कालीबाजारी की जाती है, आपको सुनने में लग रहा होगा छोटा मामला है, लेकिन ये बहुत बड़ा करोड़ों का मामला है ये, क्योंकि ये जो हर रोज इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन खाद्य विभाग के नाक के नीचे से करते हैं, बावजूद इसके कोई कड़ी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पाती है, इसका जवाब अभी जानना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहार, आप देख रहे हैं पब्लिक।